सिंह राशि वाले, ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप अपने जीवन में कभी झुकना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, गलत होगा तो आप झुक भी जाएंगे और अपनी गलती को एक्सेप्ट भी कर लेंगे, लेकिन आप किसी भी चीजों पे हार नहीं मानते। कई बार ऐसा होता है कि जीवन में अगर कुछ बदनामी हो जाए या कोई आपका नुकसान कर दे तो आप इंतजार करते हैं कि वो समय कब आएगा और मैं बदला लूंगा। लेकिन इस बार 1 जून से 30 जून के मध्य का जो समय है ना, सिंह राशि या लग्न वाले, बहुत जबरदस्त है। इसलिए मैं यही बोलूंगा कि 1 जून से 30 जून के मध्य में ग्रहों की स्थितियां हैं इस प्रकार से कि सालों का बदला पूरा होने वाला है। जी हाँ, नमस्कार प्रिय सिंह लग्न या राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं 1 जून से लेकर 30 जून यानी पूरे महीने का मंथली होरोस्कोप यानी मासिक राशिफल लेकर के। और मैं यही बोलूंगा सिंह राशि वाले, ग्रहों की स्थितियां हैं इस प्रकार से कि सालों का बदला पूरा होगा, मतलब जीवन में कुछ तो बड़ा होने वाला है। जैसा कि आप जानते हैं, ये वीडियो हर महीने आता है मासिक राशिफल का, और ये राशिफल जो है चंद्राशि पर आधारित होता है। जिनको अपना चंद्राशि पता है आप देखिए, नहीं पता है आप इस वीडियो का नाम या लग्न से देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, ये गोचर के आधार पर जनरल प्रेडिक्शन है जिसका प्रभाव मनुष्य के ऊपर पड़ता है, परंतु प्रत्येक मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव उसके माता पिता के कर्म, आपके स्वयं का कर्म, आपकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रह और महादशा और अंतरदशा का ही पड़ता है। इसीलिए इसको एक जनरल प्रेडिक्शन के तौर पर लीजिएगा। अगर मैच नहीं करता तो अपनी पत्रिका दिखाइए, मैं कोई भ्रम में नहीं रखना चाहता हूं। एक आइडिया ले सकते हो, ये ना बोले कि आप ये बोले थे वो बोले थे कुछ नहीं हुआ। इसलिए इस बात का ध्यान दीजिएगा, जनरल प्रेडिक्शन है। सिंह राशि वाले, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर आपके जून के महीने में कर्म क्षेत्र की स्थिति कैसी है। सिंह राशि वाले, जीवन का शुरुआत तो वास्तविकता तौर पर हो चुका है और इसमें पावर देने के लिए 3 जून से जैसे ही बृहस्पति कर्म क्षेत्र के उदय होंगे आपका तो जीवन ही चकाचक हो जाएगा। 15 जून तक सूर्य कर्म क्षेत्र पे, 12 जून तक शुक्र कर्म क्षेत्र पे, 14 जून तक बुध कर्म क्षेत्र पे। ये जो 15 दिनों का मोहलत है ना, बहुत कुछ बयान करता है। नौकरी लगेगी, कोई नहीं रोक सकता 15 तारीख तक। इसके आगे के मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूं। 15 तारीख तक आप घर से दूर थे, घर के पास नौकरी व्यवसाय चाहते थे, उसमें सफलताएं मिलेंगी। 12 तारीख तक जिन लोगों से आपके रिलेशनशिप खराब थे, जो लोग माइंड गेम खेल करके आपके व्यापार या नौकरी को खराब किया, ऐसे शत्रुओं का या लोगों का नाश होने का योग बनेगा। इसके अलावा जो है, जो लोग चाहते थे कि नौकरी व्यवसाय में कुछ जबरदस्त बदलाव हो, सैलरी इंक्रीज हो, देश में हो या विदेश में, 14 जून के बाद वो भी होता हुआ नजर आएगा। खून के आंसू जो आप पी रहे हो, किसी को कुछ बोल नहीं रहे हो क्योंकि खुद कमजोर पड़े हुए हो ना, तो 14 जून से कोई भी जॉब है, इंटरव्यू है, रिजल्ट है, आप उसमें पास हो रहे हो। इसके अलावा जो लोग लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे लगा के कंटिन्यू नुकसान में थे ना, 14 जून से धन का मालिक आय भाव में बैठेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि 15 जून से कर्म क्षेत्र में एकलौता बृहस्पति बचेंगे पंचम का अधिपति बनके। लॉटरी सट्टा में जितना पैसा लगाना लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। मोटा फंड, समझने वाली बात है, मोटा फंड या कोई संपत्ति वगैरह सेल होकर के पैसा चाहिए, वो 1 जून से ही चालू हो जाएगा जब मंगल आपके भाग्य स्थान में आएंगे। और ये भाग्य स्थान का मंगल सालों का प्रमोशन पदोन्नति को पूरा करेगा और साथ में लोगों को आप दिखा दोगे कि मेरे अंदर ताकत है कुछ करने का, और यही कारण है कि सालों का बदला पूरा होने वाला है। गेट रेडी फॉर योर न्यू लाइफ, स्टार्ट होने वाला है। कैसा रहेगा आपके जीवन में विदेश यात्रा का हाल, प्रश्न तो बहुत अच्छा है, और यह बात सच्चाई है कि विदेश जाने के लिए आप लयलयित होते हैं। अगर जाके रहना नहीं भी है ना, तो भी आपको वहां का लाइफ स्टाइल हो या सब कुछ बहुत पसंद होता है। एक्चुअली आपका लग्न का लॉर्ड कौन है, राशि का लॉर्ड कौन है, सूर्य सिंह, शेर को अकेला रहना पसंद होता है। हालांकि कभी कभी अकेले रहने के चक्कर में बहुत कुछ आप बर्बाद भी कर देते हैं, आप माने या ना माने ये बात तो मैं जानता हूं, क्योंकि आप अपने हिसाब से चलते हैं। कई बार फैमिली के लोग आपको सपोर्ट नहीं करते हैं तो आप अकेला जिंदगी जीते हैं, तो कई बार अकेले भी रहना पड़ जाता है। थोड़ा ईगो भी तो होता है ना, ईगो के कारण तो कई बार सिंह राशि लग्न वाले को दिक्कत आती है। मैं कोई बुराई नहीं कर रहा,
पर जो दिख रहा हूं दिखता वो तो बोलूंगा ना, और ये बात ही मुझे पता है बोलने पे आपको बुरा लगता है, पर क्या करें। जिनको विदेश जाना है 14 जून तक विदेश यात्रा का योग है, कोई नहीं रोक सकता है। जिसको कंट्री चेंज करना है, विदेशों में नौकरी चेंज करना है, 14 जून के बाद योग बन रहा है। इनकम का हाल कैसा होगा भाई, क्या बोलू, समझ ही नहीं आ रहा। धन का मालिक आय स्थान में 14 जून से, 15 जून से सूर्य आय भाव में, 12 जून से शुक्र आय भाव में, चारों तरफ से धन आ रहा है। जो सैलरी इंक्रीज कर रहे थे उनकी सैलरी इंक्रीज हो, जो सैलरी में थे उनकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी, जो टारगेट भी उसे थे दोगुना तीनगुना टारगेट होने का योग बन जाएगा। बड़े भाई बहनों से धन के योग बनेंगे, पुराने मित्रों से धन के योग बनेंगे, जीवन साथी से धन के योग बनेंगे, विदेशों से धन का योग बनेगा। जिनको लॉटरी सट्टा में कंटेनी नुकसान हो रहा था, 15 जून से भर भर के धन के योग बनेंगे। बदला सिर्फ एक चीज से पूरा नहीं होता, ये मैं ये कर लिया वो कर लिया, बदला औकात से पूरा होता है, और औकात बन रहा है आपका, और जवाब भी बहुत लोगों को आप देने वाले हैं। बढ़िया है, जो होता है अच्छा होता है और हो भी रहा है, इसलिए धन की कमी तो नहीं है। कैसा रहेगा आपके जीवन में वैवाहिक जीवन का हाल, प्रश्न है। विवाह के बारे में चर्चा करते हैं। सिंह लग्न या राशि वाले, वर्तमान समय में केतु धन भाव में बैठा हुआ है और सप्तम भाव में शनि बैठा हुआ है। जिनका विवाह हुआ पड़ा है वो भी परेशान, तालमेल ठीक नहीं, आर्ग्यूमेंट बहुत हो रहा है। जो विवाह करना चाहते हैं उनका विवाह नहीं हो रहा है, या तो उनका फैमिली पसंद नहीं आ रही है उनको, या फिर आर्ग्यूमेंट हो रहा है। लव लाइफ का भी धजिया उड़ी हुई है। सीधी बात करता हूं, एकदम घुमा फिरा के नहीं करूंगा। आपके जीवन में 15 जून को सूर्य बृहस्पति को छोड़ेंगे, 3 जून से बृहस्पति उदय अवस्था में चले जाएंगे। आपके जीवन में 3 जून से विवाह के योगों में थोड़ा 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 योग बनना चालू हो जाएगा, जब केतु और बृहस्पति का नवम पंचम राजयोग बनेगा। लेकिन 15 जून के बाद से आपके विवाह के रिश्ते ठीक हो जाएंगे। इसलिए डाइवोर्स वोर्स की बात अगर कर रहा है ना आपका हस्बैंड या वाइफ, और वो सिंह लग्न या राशि के, तो टाल दो, 15 जून के बाद मन बदल जाएगा। इसलिए 15 जून के बाद विवाह के योग अच्छे हैं, दाम्पत्य जीवन में सुधार है, विवाह के एक से एक रिश्ते आएंगे। रिश्ते तो 14 तारीख से ही आने चालू हो जाएंगे, और 15 जून से लव लाइफ का भी हाल बहुत ही अच्छा हो जाएगा, और 12 जून से उन लोगों का रिश्ता अच्छा हो जाएगा जिनको द्वितीय विवाह करना है, या किसी रिलेशनशिप में थे और दूरियां बनी हुई थी, फैक्शन या फ्लक्चुएशन पैदा हुआ पड़ा था, तो वो समस्याएं 12 जून से सॉल्व हो रहा है। लेकिन ओवरऑल इस महीने विवाह का योग ना 15 जून के बाद जबरदस्त हो रहा है, हर चीजों में बदला लेने का योग बन रहा है। कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा संतान का हाल, प्रिय सिंह राशि वाले, पंचम भावस्थ बृहस्पति सूर्य से अस्तगत है, 3 जून को ये उदय हो जाएंगे। सच्चाई तो यही है, 3 जून से ही शिक्षा में बढ़ोतरी मिलना चालू हो जाएगा, 3 जून से ही आपको बच्चों का अच्छा जगह पर एडमिशन के चांस बन जाएंगे, 3 जून से ही संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिलता हुआ नजर आएगा, और 3 जून से ही जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल जीरो है, कोई नया पढ़ाई नहीं चालू कर पा रहे, जॉब इंटरव्यू को लेकर के आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, और या पारिवारिक लिटिगेशन में या माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, सभी चीजें 3 जून से बेहतर होंगी। लेकिन बड़ा बदलाव 15 जून से चालू होगा, जब स्वतंत्र तौर पे केंद्र त्रिकोण राजयोग का फल बृहस्पति का मिलेगा, स्वतंत्र बृहस्पति का फल। यानी जिनको बड़े जगह पे फॉरेन वगैरह में एडमिशन कराना है 15 जून से, जिनको जिनकी पढ़ाई अधूरी छूट चुकी थी दोबारा पढ़ाई कंप्लीट करना है 12 जून से, और साथ में द्वितीय संतान की अगर मैं बात करूं 3 जून से, वो भी समस्याएं ठीक हो रही हैं। लेकिन वास्तविकता तौर पे द्वितीय संतान का स्वास्थ्य हो, हेल्थ हो, करियर हो, वो वास्तविकता तौर पे आपके जीवन में 1 जून से ही ठीक होना चालू हो जाएगा। भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल कैसा है, 1 जून से भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल बहुत अच्छा है। घर में रेंट वगैरह नहीं लग रहा था वह लग जाएगा, संपत्ति बनाना चाहते वो बन जाएगा, अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ चीजें आप परचेज कर सकते हो। और इसके अलावा जो है सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपके जीवन में जो है पिता का सहयोग भी आपके जीवन में वास्तविकता तौर पर 1 जून से मिलना चालू हो जाएगा। जबरदस्त राशिफल बन रहा है, जबरदस्त। स्वास्थ्य की हाल कैसी रहेगी, सीधी बात मैं कर देता हूं, आपके जीवन में 1 जून से पेट की समस्या, हृदय की समस्या सॉल्व हो जाएगा, और थोड़ा सरदर्द वगैरह को लेकर जो परेशानियां है वो 15 जून से सॉल्व हो जाएंगे।
केस मुकदमा का बात कैसा है, 1 जून से किसी भी प्रकार का केस मुकदमा है वो ठीक हो रहा है, घबराने की बात नहीं है। 1 जून से किसी भी प्रकार की परेशानी है तो वो सॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है। किसी प्रकार से ससुराल पक्ष से मतभेदता भी 1 जून से ठीक हो जाएगा। और इसके अलावा जो है किसी प्रकार का केस मुकदमा हुआ पड़ा था संपत्ति को लेकर, दाम्पत्य जीवन को लेकर, सब 1 जून से ठीक हो जाएगा। उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए, सिर्फ एक उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ, और कुछ भी नहीं करो पूरा 1 से 30 जून तक। जिंदगी ना बदले तो मेरे को बताना। तो प्रिय सिंह राशि वाले, प्रस्तुत कर दिया हूं 1 जून से 30 जून के मध्य का संपूर्ण मासिक राशिफल। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहो, धन्यवाद।